चंबल नदी के किनारे हाड़ोती रीजन के गढ़ कोटा में आपका स्वागत है। बट तुम एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रही हो इस सिटी के बारे में। वो क्या? इट इज द कोचिंग हब ऑफ द कंट्री। हाँ वो भी तो है, विच मीन्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज राइट हियर। सो कैन वी बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल सीन ओवर हियर इन दैट केस? यस, चलो देखते हैं। मैडम अभी मैंने ये 3-4 महीने हो गए करीब। 7 साल से चला रहे हैं। 6 महीने। 2 साल से ऊपर हो गए। 3 साल से। 2016 से। 6 महीने हो चुका है। इलेक्ट्रिक बेचते हुए हमें करीब 3 साल हो गए। जो इकोनॉमिकल सिस्टम प्लस स्पीड और वो जो मतलब एक मज़ा आता है उसको चलाने का, तो ये मेन मोटिवेशन था जब अपन ने एथर लिया। हमारा महाराष्ट्र जाना हुआ, वहाँ पर हमने एक जगह देखा कि उन्होंने तकरीबन 4 से 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर देयर लोकल यूज़ उन्होंने ले रखे थे, तो हमने भी सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई कि कम खर्चे में हम हमारा माल को शहर में कस्टमर तक पहुँचाएँ, इसके लिए हमने ई बाइक को चुना। सत्तर 75 किलोमीटर का एवरेज उसका हमको मिल जाता है। 50-55 किलोमीटर चल जाती है। 100 किलोमीटर चलती है। हर स्कूटर 100 किलोमीटर से ऊपर रन कर रहा है। 250 से 300 किलोमीटर। 35 से 40 किलोमीटर। डीजल और सीएनजी के कंपैरिजन में अब हमें इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा सूट किया, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर से आफ्टर सेल्स आफ्टर सर्विसेज कुछ खास नहीं है, मेंटेनेंस इसके अंदर कम है, पॉल्यूशन कम होता है, अच्छा है, प्रदूषण भी नहीं है और पैसे की भी बचत है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है गाड़ी, बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है इसमें। 1500 का काम हो जाता है दिन। इतनी अच्छी स्मूथ गाड़ी चलती है कि शायद पेट्रोल से कहीं गुना ज़्यादा, सीटिंग बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंपेरिजन टू डीजल और पेट्रोल व्हीकल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़े का सामान बहुत कम मिलता है मार्केट में। 20-40 किलोमीटर चली गई बैटरी खत्म होगी गेला में, तो इसकी व्यवस्था गेला में होनी चाहिए भरने के लिए। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम महसूस होती है उनको, आते हैं फिर जब देखते हैं कि इसके लिए अपन को चार्ज करने के लिए घर तक गाड़ी ले जाना जरूरी है, उनकी जो रेजिडेंस लोकेशन है वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पाती। इसमें सिर्फ एक दो डिसएडवांटेज ये है कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है अभी। ईवी का एक लिमिटेड रेंज होता है कि ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जब तक नंबर ऑफ व्हीकल मार्केट में नहीं जाएगा प्रॉपर फीडबैक नहीं आता, फाइनेंसर भी अभी कॉन्फिडेंस में नहीं है। अब ये गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद से कॉस्टिंग हो गई गाड़ी की ज़्यादा, कुछ पैसा हमारा कंपनियों में अटका रह जाता है। आज हम कस्टमर को गाड़ी सब्सिडी काट के दे देते हैं, उसमें 40 से 50 हज़ार पर व्हीकल सब्सिडी है। अब पर अगर हमने 40-50 व्हीकल्स सेल किए हैं, 40,000 एक गाड़ी पे सब्सिडी है, उसको आप अगर पर मंथ मेरा 20 से 25 लाख कंपनी में सब्सिडी के लिए अटका हुआ है, वो 2 या 3 महीने में रिलीज़ होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पार्ट्स मिल जाए और बैटरी बैकअप अच्छा हो, बस गरीबों को सहायता मिलना चाहिए इस गाड़ी के अंदर भाई, उनको थोड़ी छूट देना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए बराबर। अभी जिनके पास पैसा है, बड़ा घर है, वो लोग खरीद के अपने यहाँ चार्ज कर पा रहे हैं, बाकी लोग फिर हाई रेंट देके चार्ज कराते हैं कहीं पे एक जगह पे, और वहाँ पे कई बार उनकी बैटरी चोरी हो जाती है, कई बार चेंज हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से छोटे लोग अभी इसको अपना नहीं पा रहे हैं। तो उस दिशा में गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास सारे साधन हैं, जगह कई जगह पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रात के टाइम वेस्ट रहती है, उसका उपयोग हो सकता है इसके लिए। पहले चार्जिंग स्टेशन लगने चाहिए, उसके बाद व्हीकल्स मार्केट में आने चाहिए, मेरा मानना ही है। हर 50 किलोमीटर पे वैसे चार्जिंग स्टेशन होना जरूरी है। सरकार को तो एक काम करना चाहिए, जगह जगह चार्जिंग लगाना चाहिए। एक तो इनको
रिक्वायरमेंट है कि आयरन बॉडी आए, आयरन बॉडी आती है लोड ज़्यादा हो जाता है तो लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, या तो इसका कोई बैटरी के अंदर इसको और पावरफुल करके लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाए कंपनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग रन के हिसाब से होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं एक बार चार्ज करूं और मोर देन 500 किलोमीटर का अगर मैं कर पाऊं उसमें सफ़र, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो उसका कोई ऐसा ऑप्शन सोचना चाहिए कि सब्सिडी डीलर के अकाउंट में चली जाए पार्टी से अंडरटेकिंग लेके उसके बेस पे, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ सब्सिडी डीलर के अकाउंट में चली जाए ताकि हम सेल करते टाइम ही कस्टमर को उसका बेनिफिट दे दें। जितना ज़्यादा ये इसका विस्तार होगा उतना हम जैसे ट्रांसपोर्टर्स को या जो डिलीवरी एजेंट्स हों उनको काम करने में आसानी होगी। सुविधाएं लोगों को आसान हो जाए ना और कम ब्याज दरों पर मिल जाए तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी तेज़ी से दौड़ेंगे, तो चाहे वो कोटा में हो चाहे वो आउट ऑफ कोटा हो, कोई से भी स्टेट हो। चार्जिंग का जो टाइम जितना आप रिड्यूस करोगे और किलोमीटर जितने आप बढ़ाएंगे उसमें, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें कहीं ना कहीं एड ऑन देगा अपने को आने वाले फ्यूचर के एंगल से। पॉलिसी अच्छी है गवर्नमेंट की, ट्रेन लोग रिक्शा चलाएं, सेफ्टी फीचर्स होते हैं, सभी चीज़ है, लेकिन वो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खुले तो उसके लिए आपको नियम भी इतने रिलैक्स वाले बनाने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुल पाए, पर ऐसे आदमी मिल नहीं पाते। फिर जो रिक्शा चलाना सिखाएगा उसकी भी क्वालिफिकेशन वही है कि उसके पास में 5 साल पुराना हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, जबकि जिसके पास 5 साल पुराना हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस होगा वो रिक्शा चलाने के लिए आएगा नहीं, और जो ट्रेनिंग देनी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। तो उसके लिए आपको रिक्शे का ही लाइसेंस किसी के पास हो, टेक्निकल एजुकेशन, एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो उसके पास में, ऐसा आदमी ट्रेनर होना चाहिए, ट्रैफिक के नियम की उसको जानकारी हो, मोटर का काम जानता हो, ये कंडीशन लगाए तो ठीक है। तो कैसा रहा कोटा का इलेक्ट्रिक सफर? आई वुड से द फ्यूचर इज हियर, बट दे आर नॉट द ओनली वंस बाइंग इलेक्ट्रिक। हाँ यार, एक्सेप्ट फॉर फोर व्हीलर्स यहाँ का एडॉप्शन काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एग्जैक्टली, और सबसे ज़्यादा यूज़ मेरे हिसाब से कमर्शियल सेगमेंट में हो रहा है। बिजनेसेस आर यूजिंग टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एंड दे आर एक्चुअली फाइंडिंग इट इकोनॉमिकल। बट यहाँ पर गर्मी की वजह से कंज्यूमर्स के मन में एक डर है रिगार्डिंग बैटरी सेफ्टी। वो हो सकता है, बट एक पॉजिटिव वाइब है रिगार्डिंग ईवीज, सेल्स आर अप एंड पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर सब्सिडीज। आई थिंक कोटा का फ्यूचर ग्रीन है।